फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के खूबसूरत से नज़ारे दिखाए थे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक दूसरा व्यू दिखाने वाली हूँ। वो ये कि जितना खूबसूरत सफ़र होता है ना, उतना डराने वाला और रिस्की भी होता है। जब हम वापस आ रहे थे तो जगह जगह छोटे छोटे लैंडस्लाइड हो रहे थे, लेकिन एक लैंडस्लाइड इतना बड़ा था जिसने हमें डरा दिया था, क्योंकि पूरा जो पहाड़ था ना वो नीचे आ चुका था रोड पर, और लग रहा था कि हम दो तीन दिन यहाँ फंसने वाले, यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पूरा पहाड़ रोड पर था और जाम हो चुका था रोड। और ये देख रहे हैं आप, पूरा पहाड़ है जो कि रोड पर आ चुका है, रोड तो दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी कहीं भी। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको क्रॉस करके आगे कुछ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर फंस गए, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ के टुकड़े नीचे गिरते जा रहे थे। कल रात यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा था यहाँ पर। और हमने डिसाइड किया कि हम इसको क्रॉस करते हैं, जैसे भी डरते डरते हम लोगों ने इसको क्रॉस किया। पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं नीचे है, रोड तो दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। पानी का बहाव तेज़ था तो डर लग रहा था, एक तो पूरे पहाड़ के टुकड़ों पर चलना पड़ रहा था, तो लग रहा था कि ऐसा ना हो पैर फिसल जाए, और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है और हम पूरे नीचे चले जाएं, क्योंकि नीचे बिल्कुल खाई है, कुछ भी नहीं है। अगर आप नीचे जाते हो तो बचने का तो चांस ही नहीं है। दूसरी तरफ ऊपर से पहाड़ के टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर आपके, ये देखिए नीचे बिल्कुल खाई है, कुछ भी नहीं है। मैं ठीक से आपको दिखा भी नहीं पा रही, क्योंकि मुझे खुद ही डर लग रहा है, देखने में भी डर लग रहा है मुझे तो, और ऊपर से पहाड़ के टुकड़े भी गिरते जा रहे हैं। तो फिलहाल तो ये है कि यहाँ से निकलो जैसे भी हो, पूरा जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। हमने अपनी बस वहीं पे छोड़ दी और अपना बैग निकाल के हमने सोचा कि पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे का आगे देखते हैं। ये देखिए पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ चुका है, और अभी भी बारिश की वजह से जो पानी है उसके साथ में पहाड़ नीचे खिसक रहा है धीरे धीरे। छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, लेकिन वो इसको साफ़ नहीं कर पा रही हैं रोड को। मैं निकल के आ चुकी हूँ, विजय निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं ना, तो बारिश के सीज़न में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये रिस्की भरा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और अपनी गाड़ी से हो सके तो ना ही जाइएगा, क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि हर कोई यहाँ गाड़ी चला पाए बहुत मुश्किल होता है। तो अभी ये बड़ी गाड़ी आई है जो इसको साफ़ करेगी, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है इसको साफ़ करने में। फिलहाल हमने तो इसे क्रॉस कर दिया है, अब आगे का सफ़र तय करते हैं, देखते हैं। और सच तो ये कि रास्ते में जगह जगह हमें लैंडस्लाइड मिले थे। जब हम ऋषिकेश पहुँच गए तब जान में जान आई, लगा कि अब सेफ हैं। और ये खूबसूरत सा पत्थर मिला मुझे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐसे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ना, तो बरसात का जो सीज़न होता है उसको अवॉइड कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बस यही बताना था।